नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप घर बैठे कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा स्किल के। दोस्तों, आप लॉकडाउन के बाद ये काम घर से ही कर सकते हैं और अच्छी इनकम भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आर्थिक मजबूती आएगी। दोस्तों, कोरोना काल की वजह से लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए अपने जीवन को चलाने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर कर रहा हूँ जिसको आप घर से ही कर सकते हैं और वो भी कम से कम लागत में। दोस्तों, आप घर बैठे एक माइक्रो जॉब कर सकते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, यानी कि छोटी जॉब आप बिना पैसे के घर से ही कर सकते हैं और जितना चाहो उतना कर सकते हैं और अपनी मेहनत के अनुसार आप इनकम कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी कमाई टास्क की लंबाई पर आधारित होती है। दोस्तों, आप गूगल पर माइक्रो जॉब लिखिए और आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी और आप घर बैठे इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, आप नॉर्मली अगर 2 घंटे भी कम से कम देंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में माता पिता दोनों ही वर्किंग होंगे, इस वजह से क्रच सर्विस की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, ये काम घर से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों को काम पर जाना होता है, वो अपने बच्चों को सुबह छोड़कर जाते हैं और शाम को ले जाते हैं। इस काम में आपको बच्चों की देखभाल करनी होती है, बच्चों का मनोरंजन करना होता है, उनका खान पान, उनकी सुरक्षा को आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बदले में 3 से 4 हज़ार रुपये प्रत्येक बच्चे के आपको मिल जाते हैं। अगर आपने 5 बच्चे भी रखे तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम हो सकती है। दोस्तों, आप एज ए ट्रांसलेटर के रूप में घर बैठकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आने वाले समय में ट्रांसलेटर की बहुत डिमांड होगी। आप एक रीजनल लैंग्वेज अगर जानते हैं, इससे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो रीजनल कंटेंट पर बहुत फोकस करती हैं, मतलब एक प्रादेशिक भाषा आपको आती है। जैसे कि मान लीजिए आपको राजस्थानी या बंगाली भाषा आती है, तो जो लोग ऑनलाइन रीजनल कंटेंट बनाते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी आवाज़ को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इस काम में आप नॉर्मली 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमा पाएंगे। दोस्तों, आजकल के समय में घर से कमाने के लिए आप नूडल मेकिंग भी कर सकते हैं और ये आसानी से शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी मशीन बहुत आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आजकल नूडल की डिमांड भी है। दोस्तों, नूडल के साथ अगर आप मोमोज भी बनाकर बेच सकते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि नूडल और मोमोज एक ही जगह पर बिकने वाले प्रोडक्ट हैं और इसकी सेल करने के लिए आपको एक बार टाइप बिठाना होगा उन लोगों से जो लोग नूडल रिटेल में सेल करते हैं। दोस्तों, पेपर कप बिजनेस में आप अलग अलग साइज के जो ग्लासेस वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। इस बिजनेस को आप घर से ही कर सकते हैं। पेपर कप की मार्केट में डिमांड है, क्योंकि ये आसानी से डिस्पोज हो जाता है। लॉकडाउन के बाद अगर आप इस काम को घर से ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में खूब है और हर फंक्शन में इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। दोस्तों, आपको अगर कपड़े डिजाइन करना पसंद है और लेटेस्ट फैशन की जानकारी रखते हैं, तो आप अपने घर पर बुटीक खोल सकते हैं और आसानी से 20 से लेकर 25 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। एक बात आपको देखनी होगी, आप बाकी बुटीक से अलग और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। बुटीक बिजनेस में आपको देखना चाहिए कि लेटेस्ट डिजाइन क्या चल रहा है और सर्विस चार्ज औरों से कम होना चाहिए। दोस्तों, जो आप लॉकडाउन के बाद घर बैठ के जो काम कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, उसमें सबसे ऊपर काम ये भी आता है कि आप एज ए होम ट्यूटर का काम कर ले, यानी कि आप घर पे ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास या 11th 12th की जो स्टडी होती है। दोस्तों, कोरोना के प्रभाव के कम होने के बाद अगर आप मैथ या साइंस जानते हो तो आप उससे अच्छी इनकम कर सकते हैं। आप कोरोना काल के जो प्रभाव खत्म होने के बाद आप घर पर ही स्टूडेंट को जो है वो टीचिंग दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें अच्छी बात है कि आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना, बिजनेस में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना और घर से ही आप इनकम कर पाएंगे। पर अगर आप कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो आपको अधिक से अधिक इनकम हो सकती है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस कीजिए और मैं आपको एक लिस्ट और दे रहा हूँ जिसमें आप वो उन कामों की लिस्ट है जो आप काम घर से ही बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस प्रकार की मैं जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों।